दोस्तों नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर नित्यानंद। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं फर्टिलिटी कंट्रोल, या फिर इसको बोल सकते हैं प्रेगनेंसी में से बचाव कैसे करें। अक्सर दोस्तों इस व्यक्ति जो होता है थोड़ा साई फील करता है, शर्म महसूस करता है, मैरिड है लेकिन उसको ये नहीं समझ में आता है कि कैसे प्रेगनेंसी ना हो। अगर कुछ दिन तक वो चाहता है कुछ दिन प्रेगनेंसी ना हो तो कैसे वो बचाव करे, तो इसको आज बहुत इजी तरीके से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फर्टिलिटी कंट्रोल क्या होता है? यूज ऑफ एनी मैकेनिज्म आर डिवाइस विच प्रिवेंट प्रेगनेंसी। ऐसा डिवाइस यंत्र या फिर ऐसा मेथड या मैकेनिज्म, ऐसा मेथड जो कि प्रेगनेंसी होने से बचाता है उसको हम लोग बोलते हैं फर्टिलिटी कंट्रोल। ऐसे मेथड होते हैं जो कि प्रेगनेंसी ना हो, या कुछ ऐसे डिवाइस भी हैं, अभी हम लोग चर्चा करेंगे समझ में आएगा। ऐसे डिवाइस भी हैं जिसकी सहायता से हम फर्टिलिटी कंट्रोल कर सकते हैं या प्रेगनेंसी प्रिवेंट बचाव कर सकते हैं प्रेगनेंसी से। तो बात करते हैं पहला क्या है साथियों। पहला जो है रिदिम मेथड, या इसको बोलते हैं सेफ पीरियड। सबसे बेस्ट यही माना जाता है सेफ पीरियड। ये क्या होता है? ओवुलेशन महिलाओं में ओवुलेशन जो होता है, ओवुलेशन मतलब ओवरी से ओवम का निकलना, इसी को कहते हैं ओवुलेशन। अब थोड़ा प्रोसेस समझ लेते हैं प्रेगनेंसी होती कैसे है। ए यूट्रस हो गया, शॉर्ट में समझने की कोशिश करते हैं, यूट्रस हो गया, ये फैलोपियन ट्यूब हो गया, तो अब क्या होता है कि स्पर्म जो होता है वो रीच करता है, धीरे धीरे रीच करते हुए ऊपर चला जाता है यहां पे फैलोपियन ट्यूब में, सर्विक्स होते हुए यूट्रस होते हुए यहां पे चलाया, यहां से एक ओभम जो है ओवरी से निकला और ये आ गया फैलोपियन ट्यूब में और दोनों यहां पे फर्टिलाइज कर जाते हैं। सिंपल सी प्रोसेस है कि यूट्रस में ओवरी से ओवम निकलता है और वो पहुंचता है फैलोपियन ट्यूब में, और ये किस दिन निकलता है? 14वें दिन ओवुलेशन होता है, ओवुलेशन उसी की बात कर रहे थे, 14 डेज आफ्टर मेंस्ट्रुएशन। पीरियड के 14वें दिन क्या होता है? ओवुलेशन होता है। अब क्या हुआ कि ओवरी निकला और ओवरी से ओवम निकला और वो फैलोपियन ट्यूब में पहुंचा। एक चीज यहां पे ये हो सकता है कि उस दिन अगर स्पर्म इससे ये ओवरी हो गई, ओवम हो गया हमारा और ये स्पर्म हो गया, अगर उस दिन मिल जाते हैं 14वें दिन तो फिर क्या होगा? प्रेगनेंसी कॉज करेंगे। यदि दोनों मीट नहीं करते हैं, तो फिर प्रेगनेंसी नहीं होगी। तो अब क्या होता है कि इसमें क्या होगा कि वो एक स्पर्म का सर्वाइव कर सकता है 24 से 48 घंटे तक इन फीमेल जेनाइटल ट्रैक में, एक स्पर्म 24 से 48 घंटे तक सर्वाइव कर सकता। ओवरी कितने देर तक सर्वाइव करेगी? ओवुलेशन कितने दिन देर तक हो सकता? 2 डेज तक एक क्या कर सकता है? अगर स्पर्म मिल गया तो फर्टिलाइज कर सकता है। सिंपल सा चीज है। क्या हुआ कि ओवम जो है ओवम पहुंचा और स्पर्म से फर्टिलाइज होके एक
बेबी का फर्टिलाइज हुआ और फिर जायगोट फॉर्म किया, फिर और अन्य प्रोसेस है और फिर प्रेगनेंसी काज कर दिया। तो हमको क्या करना है कि इस पीरियड में इंटरकोर्स नहीं करना है, इंटरकोर्स नहीं करना है, इसको हम लोग बोलते हैं सेफ पीरियड, इंटरकोर्स से बचना है। और इजी तरीके से बताने की कोशिश करते हैं, 14वें दिन क्या होता है, ओवरी से ओवुलेशन होता है और एक मैच्योर जायगोट मैच्योर ओवम निकलता है, और ओवम निकलने के बाद वो क्या होता है कि यदि उस दिन और वो 2 डेज तक उसमें सरवाइव कर सकता है, बट क्या हुआ कि यदि उस समय 2 डेज के अंदर यदि स्पर्म वहां पे पहुंच गया तो दोनों फर्टिलाइज होने हो जाएंगे, यदि नहीं पहुंचा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, सिंपल सी बात है। तो ये सीक पीरियड क्या होगा कि ये 14वें दिन के 2 दिन पहले 2 डेज, क्योंकि स्पर्म 24 से 48 घंटे तक सरवाइव कर सकता है, तो 2 दिन पहले 12वें दिन तक अनसेफ है, और फिर क्या हुआ और 16वें दिन तक ये अनसेफ है, तो इसको बोलते हैं डेंजर पीरियड पीरियड। और बात करते हैं और इसमें क्या हो सकता है, ये सिंपल सा फार्मूला है पहला चीज, तो हमको क्या करना है सेफ पीरियड को फॉलो करेंगे। इसमें एक प्रॉब्लम ये होती है, एडवांटेज क्या है कि इसका एडवांटेज ये है कि ये बहुत ही सक्सेसफुल मेथड है, अगर इसको फॉलो करें तो काफी चांसेज होता है कि प्रेगनेंसी कंसीव ना हो। दूसरी चीज है कि इसका एडवांटेज क्या है कि बहुत टाइम में क्या होता है पेशेंट व्यक्ति जो होता है पेशेंस ही नहीं रख पाता, जिसकी वजह से वो इस समय इंटरकोर्स करता है प्रेगनेंसी काज कर देता है। अब दूसरी बात करेंगे, दूसरा क्या हो सकता है, यूज ऑफ कंटासेप्टिव पिल्स आते हैं कुछ, जिसको अगर खिलाया जाए तो भी प्रेगनेंसी नहीं काज करेगी, यूज ऑफ कंटासेप्टिव। दूसरा जो है यूज ऑफ कंट्रासेप्टिव पिल्स, यदि ये खिलाया जाए तो भी प्रेगनेंसी नहीं काज करती है, बट इसको क्या किया जाता है लंबे समय तक खिलाना पड़ जाता है। जैसे अगर किसी को प्रेगनेंसी लंबे दिन तक नहीं चाहिए तो क्या करता है ओवर यूज ऑफ ड्रग कर देता है, जिसकी वजह से कुछ साइड इफेक्ट आते हैं। लगभग 40% महिलाओं में इसकी वजह से हल्के साइड इफेक्ट दिखाई देते हैं, लेकिन कभी कभी ओवर यूज करने की वजह से कुछ सीरियस साइड इफेक्ट दिखाई देने लगते हैं। तीसरा जो तरीका है बचाव का, मैकेनिकल बैरियर, ये मैकेनिकल बैरियर क्या होता है, वो बैरियर जो कि स्पर्म इसमें इजेकुलेट ही ना हो पाए, तो इसके लिए क्या यूज किया जाता है, कंडोम 2 टाइप्स के होते हैं, पहला होता है फीमेल कंडोम, दूसरा होता है मेल कंडोम फीमेल कंडोम, ये भी बहुत सेफ होता है मेल फीमेल कंडोम। ये क्या करता है कि स्पर्म जो होता है इसको फीमेल जेनाइटल ट्रैक में जाने से कंडोम रोक देता है, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी काज नहीं कर पाते। यूज ऑफ कंट्रासेप्टिव हो गया, मैकेनिकल बैरियर्स हो गया। नेक्स्ट जो है, इस समय काफी चल भी रहा है, उसकी बात करते हैं, आई यू सी डी इंट्रा यूटेराइन कंट्रासेप्टिव डिवाइस। इस पे एक मैं वीडियो भी बनाऊंगा इंट्रायूटेराइन कंट्रासेप्टिव डिवाइस पे, ये भी काफी सेफ होता है। इसको क्या किया जाता है कि वेजाइना के थ्रू एक एक्सपर्ट जो गायनकोलॉजिस्ट होती हैं वो लगाती हैं इंट्रायूटेराइन कंट्रासेप्टिव डिवाइस। 2 टाइप्स के होते हैं, एक कॉपर वाला होता है और एक होता है प्लास्टिक, और कॉपर वाला जो होता है ये क्या होता है,
स्पर्म को भी किल करता और स्पर्म को प्रिवेंट करता है, इसमें जाने से रोकता है, स्पर्म को इंटर ही नहीं करने देता, ओवम से मिलने ही नहीं देता, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है। इंटर यूटेराइन कंट्रासेप्टिव हो गया। अब एक और होता है केमिकल बैरियर। केमिकल बैरियर इसको क्या करते हैं, फीमेल जेनाइटल ट्रैक में इसको लगा दिया जाता है। ये जेली हो सकता है, टैबलेट के भी फॉर्म में हो सकता है, क्रीम के भी फॉर्म में हो सकता है। इसको क्या किया जाता है कि इसको, और ये स्पर्मिसाइड होते हैं, स्पर्म को किल कर देते हैं, स्पर्मिसाइड स्पर्म को किल कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि प्रेगनेंसी काज नहीं कर पाती। ये भी सेफी मेथड है। अब बात करेंगे इंटर यूटेराइन कंट्रासेप्टिव डिवाइस में एक डिसएडवांटेज है इसका। डिसएडवांटेज कभी कभी हैवी ब्लीडिंग भी हो सकती है, घबराने की जरूरत नहीं होती है, आप फिर उस समय गायनेकोलॉजिस्ट से मिल जाए। हैवी ब्लीडिंग हो सकती है और फिर क्या हो सकता है, पहला। दूसरा जो है कि इंफेक्शन डेवलप होने के चांसेज हो जाते हैं, तो क्या करेंगे उस समय गायनेकोलॉजिस्ट से मिलेंगे, या कभी कभी रिमूव भी करवाना पड़ सकता है। फिर केमिकल बैरियर जो होता है एक जेली क्रीम की तरह होता है, जिसको क्या क्या किया जाता है, वो उसमें वेजाइना के इंटीरियर अंदर वाले पार्ट में थोड़ा सा इसको यूज किया जाता है, और ये क्रीम की तरह होता है या टैबलेट की तरह होता है, जो कि स्पर्म को मार देता है, किल कर देता है। अब बात करेंगे क्या सर्जिकल मेथड क्या है। सर्जिकल मेथड में दो मेथड यूज किया जाता है। सर्जिकल मेथड पहला हो गया ट्यूबेक्टोमी मींस ट्यूब को कट करके और फिर लाइक बांध दिया जाता है, जिसकी वजह से ओवम जो होता है मैच्योर ओवम यहां पे पहुंचता है, बट स्पर्म यहां पे पहुंचे, जैसे इसको कट करके बांध दिया जाए, ये हमारा फैलोपियन ट्यूब हो गया, ये कट कर दिया गया और फिर इसको बांध दिया गया, तो फिर क्या होगा कि ओवम यहां पे स्पर्म यहां पे मिक्स ही नहीं कर पाएंगे, तो फिर क्या होगा प्रेगनेंसी नहीं काज कर पाएगी। एक होता है वैक्सेक्टोमी। इसमें क्या होता है, वॉश डिफरेंस जो होता है, मेल ट्यूबेक्टोमी फीमेल्स में होता है और वैसेक्टोमी मेल में होता है, पुरुषों में होता है। इसमें क्या होता है, वॉश डिफरेंस को क्या किया जाता है, इसमें कट करके और फिर उसको बांध दिया जाता है, लैगेट कर दिया जाता है, जिसकी वजह से स्पर्म ट्रेवल करके और इजेकुलेट ही नहीं हो पाता है स्पर्म, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी काज नहीं करती। ये सिंपल सी चीजें थी, मुझे लगता है कि हम लोगों ने काफी अच्छे से समझा। अब नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा हम लोग एक उसकी बात करेंगे, इंट्रा यूटेराइन कंट्रासेप्टिव डिवाइस जो होता है उसका डायग्राम, उसको मैं लेके आता हूँ और दिखाता हूँ वो कैसा होता है, कैसे उसको यूज करना है, एक कैसे उसको उसका साइड इफेक्ट क्या हो सकता है, उसको पूरा डिटेल चर्चा करेंगे। थैंक यू।